Hello everyone, welcome to Kanishta Coders. In today's class, we are going to discuss the second type of inheritance, which is also known as multi-level inheritance. ठीक है, जो हम दूसरी inheritance पढ़ रहे हैं, पहली हमने single inheritance पढ़ी थी. अब जो हमारे पास second type of inheritance आई है, वो है multi-level inheritance. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ. जैसे मल्टी लेवल कार पार्किंग होती है ना, हम लोगों को पता है इस तरीके से, एक फ्लोर्स में जैसे होती है, उसी तरीके से ये भी काम करेगी. कैसे, एक ध्यान देखिए, जैसे ये हमारे पास एक ए क्लास है, ये हमारे पास बी क्लास है और ये हमारे पास सी क्लास है. तो कुछ नहीं, ए का सामान किस में इनहेरिट हुआ, बी में, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में हुआ था. अब आगे फिर सिंगल इनहेरिटेंस चल गई, बी का सारा सामान सी में. तो एक बार बार जो सिंगल इनहेरिटेंस जब बार बार लग जाती है ना, वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बन जाती है. तो बस ये बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे ही करेंगे. बट इसके अंदर मैं इस बार ही सम नाम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ. तो ये एक सम नाम का SUM, यहाँ पे मैं SUB सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे MUL मल्टीप्लिकेशन नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इसको आपको शो करने की कोशिश करूंगा. तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस लेवल्स बन रहे हैं, लेवल्स बाय लेवल्स बन रहे हैं ना. इसको आप जैसे लेवल 1 कह सकते हो, फिर उसके बाद ये लेवल 2 कह सकते हो, मतलब कि इस तरीके से इसमें लेवल्स बन रहे हैं, इसलिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह दिया. सिंगल वाले में कोई ऐसे बनता नहीं है तो उसमें नहीं कहा, तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लो. तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल जो है बना के दिखाता हूँ. बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम ए लेते हैं. उस क्लास के अंदर सर ने बोला SUM नाम का फंक्शन बनाना है. फंक्शन कैसे बनता है, void सम नाम को लिखकर, इस फर्स्ट सम नाम लिख लिया. इसके अंदर हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, कौन सा, एक ले लेता हूँ मैं इंटीजर ए, उसमें वैल्यू डाल देता हूँ 5, फिर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ बी, उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ 10. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज होता है ना प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट, तो ए प्लस बी करके इसको प्रिंट करा लेंगे और ये जो सम नाम का फंक्शन है मैंने बंद कर दिया. और इसी तरीके से ये जो मैंने क्लास है इसको मैंने क्लोज कर दिया. तो हमारा फर्स्ट क्लास ए का सारा काम हो गया. अब हम दूसरी क्लास पे जाते हैं, वो क्लास है बी. उस क्लास बी के अंदर एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग void, उस फंक्शन का नाम है SUB, सब नाम का फंक्शन बनाएंगे. उसके अंदर मैं एक इंटीजर ए इज इक्वल टू 20, इंटीजर बी इज इक्वल टू 10 लिख लेता हूँ. ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ए माइनस बी कर देना उसके अंदर. ठीक है, और ये हमने क्लास बंद कर दिए और यहाँ पे मैंने फंक्शन बंद कर दिया. ठीक है, अब ये मैंने तो क्लास भी बना ली, पर ये किसको एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस क्या करी, ए के साथ. यहाँ क्या लिखेंगे, extends, एक्सटेंड्स, याद रखना एक्सटेंड्स ए. तो अब इसके अंदर किसके फंक्शन आ गया, खुद का तो सबका है ही है सब्ट्रैक्शन का, और इसने सम का भी भेज दिया. करेक्ट, अब एक और क्लास बनेगी ना, क्लास सी. तो ये देखो क्लास सी, अब ये ध्यान रखना इसमें भी ये अब किसको एक्सटेंड कर रही है, हमारी एक्सटेंड्स किसे कर रही है, बी को. तो आपने देखा सी के अंदर ए का भी सारा सामान आ रहा है, बी का भी, तो विचोला कौन बना, बीच वाला, बी बना है, तो इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, अब एक्सटेंड्स बी किया, इसके अंदर क्या बनाया, मल्टीप्लाई बनाने को बोला सर ने, तो void क्या करेंगे, void मल करके बना लेते हैं मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन. तो इंटीजर ए इज इक्वल टू 2 और इंटीजर बी इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं यहाँ पे. उसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके ए मल्टीप्लाइड बाय बी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे. इस तरीके से यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया. करेक्ट, उसके बाद अब क्या बच गया, हमारी एक मेन क्लास बनती है. तो हम लोग एक क्या बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं ABC. उसके अंदर क्या बनता है, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्क्स नाम का फंक्शन. अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सबसे आखिरी वाली का, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है. ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम OBJ, कोई भी नाम लिख सकते हो ऑब्जेक्ट का नाम, इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम इस तरीके से. ठीक है, अब बस फंक्शन कॉल करनी है, कैसे होंगे, OBJ डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, सम करना है, तो आप OBJ डॉट सम को कॉल कर लो. इसी तरीके से अगर आप अगर आप उसको कॉल करना चाहते हो सब्ट्रैक्शन को, तो कैसे करोगे, OBJ डॉट सब करके आप सब्ट्रैक्शन को कॉल कर लो. और ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन को करना, क्या करोगे, OBJ डॉट MUL मल को कॉल. उसके बाद ये फंक्शन जो है आप इसको बंद कर दोगे और जो क्लास है आप इसको बंद कर दोगे. सो इट इज़ क्वाइट सिंपल जो आप कह रहे हो. ठीक है, बहुत सिंपल है मल्टी लेवल में. ये बात का ध्यान रखना, आपको सबको दिख ही रहा होगा कि मैंने सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया,
इज इक्वल टू न्यू सी, क्योंकि क्लास का नाम दोबारा लिखते हैं ना. अब ऑब्जेक्ट बनाए, अब उसी के अंदर सब कुछ आ गया. ओबीजे डॉट सम को कॉल कर लिया, ओबीजे डॉट सब को कॉल कर लिया, ओबीजे डॉट मल को कॉल कर लिया, सभी को क्लोज करके फिर मैंने इसको बंद कर दिया सब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इनको मैंने क्लास को बंद कर दिया. तो इसके अंदर मल्टी लेवल, बहुत सारे लेवलों में काम हुआ है, इसलिए इसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. नेक्स्ट के अंदर हम थर्ड लेवल ऑफ थर्ड तरीके की इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं. वी लुकिंग फॉर सम लाइक्स फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एट कनिष्क कोडर्स.